हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को आई होप सभी स्टूडेंट्स फाइन होंगे और सिक्स क्लास में अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो टुडे इज आवर टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास आवर क्लास इज सिक्स सोशल साइंस एंड टॉपिक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये अपना टॉपिक है यू नो दैट देर आर एट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें एट है, है। उनके अंदर, के अंदर, एक ऐसा ग्रह है, जीवन है।, अब क्यों है? क्योंकि एक जीवित रहने के लिए फर्स्ट ऑफ तो ऑल ऑक्सीजन फूड हाउस इन सब चीजों की आवश्यकता होती है और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम सिर्फ एक ही प्लानेट करता है है अर्थ इसलिए लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन ओनली ऑन वन प्लाट और द प्लानट नेम इज अर्थ केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ संभव है तो बाकी इस प्लानिट्स के हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे अब स्टार्ट तो करते हैं टॉपिक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम फर्स्ट है द यूनिवर्स यूनिवर्स का हिंदी वर्ड मीनिंग आप जानते हैं यू नो दैट ब्रह्मांड अब comprises all existing matter and space taken together. जो ब्रह्मांड है कंप्राइज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस टेकन टुगेदर अर्थात जो ब्रह्मांड वो होता है जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ जो भी चीजें हैं सभी प्रकार के पदार्थ ये अन्य जो ब्रह्मांड से संबंधित चीजें होती हैं स्पेस से संबंधित जितनी भी चीजें वस्तुएं होती हैं वो दीज 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 आर आर द थिंग्स थिंग्स या द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ये सभी की सभी जो हैं ये इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ये यूनिवर्स ब्रह्मांड के भाग हैं अब जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स है इसका मेजरमेंट करें तो इट हैज 93 बिलियन लाइट ईयर्स अर्थात इसका अगर आप मेजरमेंट करेंगे मेजरमेंट अर्थात इसकी डिस्टेंस को अगर आप मापेंगे तो 93 बिलियन इसकी लाइट ईयर है अर्थात ब्रह्मांड के अंदर जो डिस्टेंस को मापते हैं दूरी को मापते हैं वो लाइट में मापा जाता है और लगातार इसी क्रिएशन क्रिएशन से इसकी से लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए बिग बैंग थोरी जो सिद्धांत दिया गया है बिग बैंग थोरी जो सिद्धांत है जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित है पाया जाता है अब ये जो है ग्लेक्ट ये जो यूनिवर्स है इट कॉन्टेंट्स मिलियंस ऑफ गलेक्सीज अर्थात एक जो यूनिवर्स हैं उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारी गलेक्सीज पाई जाती हैं बहुत अधिक मात्रा में बहुत सी गलेक्सी पाई जाती हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गलेक्सी एक गलेक्सी इज ए लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अर्थात एक जो गैलेक्सी है उसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक स्टार्स पाए जाते हैं एंड एसोसिएटेड मैटर और अन्य जो अन्य जो आ, वस, अन्य जो पदार्थ होते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो सारे के सारे भी इस गैलेक्सीज के भाग होते हैं एक हैज स्टार्स एंड एसोसिएटेड मैटर दैट आर फाउंड इन यूनिवर्स अर्थात बहुत सारे तारे और तारों के अलावा अन्य जो पदार्थ होते हैं अन्य जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं

एंड स्टार्स और बहुत अधिक तारों को दिखाती है ड्यूरिंग द नाइट स्काई अर्थात रात के जब हम देखते हैं बहुत सारी गैसें बहुत सारे स्टार्स और अन्य इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पर दिखाई देती हैं और हमारे यूनिवर्स में अगर आप सोचें कि देर इज ओनली वन गैलेक्सी तो एक गैलेक्सी ऐसा नहीं है हमारे यूनिवर्स में देर आर ए बिलियन ऑफ गैलेक्सीज अर्थात हजारों लाखों गैलेक्सीज हमारे इस सौर मंडल के अंदर हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है बहुत से अधिक गैलेक्सीज विद्यमान है स्टार्स नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टार्स के बात करें स्टार्स आर हयूज स्टार्स आर हयूज हॉट बॉडीज ऑफ गैसेज देखिए जो स्टार्स होते हैं तारे होते हैं बहुत उनका आकार बहुत बड़ा होता है हॉट बॉडीज ऑफ गैसेज और काफी अधिक उसके अंदर गैसे भी विद्यमान होती हैं दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट अर्थात जो स्टार्स हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है उनकी स्वयं की गर्मी पाई जाती है दे आर वेरी बिग इन साइज देखिए उनका जो आकार होता है काफी बड़ा होता है लेकिन हम देखते हैं स्काई के अंदर आकाश का अगर हम देखते हैं बट दे आर फार अवे us, वे हमसे काफ़ी अधिक मात्रा में दूरी पर होते हैं इस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में दूरी पर होने के कारण वे हमें डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं आप शाम को जब देखते हैं बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं ये जो स्टार्स होते हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन दीज स्टार्स आर फार अवे us, और ये हमसे डिस्टेंस में काफ़ी अधिक दूर होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में दूर होने के बाद में शाम को ये हमें एक डॉट्स के सामान दिखाई देते हैं जिस प्रकार एक बिंदु के सामान ये हमें दिखाई देते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें आवर सन इज़ ऑल्सो स्टार हमारा जो सूर्य है वो एक सूर्य जो हमारा सन है जो है इज़ ऑल्सो स्टार हमारा जो सन है सूर्य है ये भी एक तारा है अब आप होंगे सर ये भी एक तारा है तो ये जो सन है इट इज़ नियर इट इज़ नियर टू टू द अर्थ प्लानट ये जो हमारी पृथ्वी है उस ग्रह के नज़दीक है और उस ग्रह के नज़दीक होने के कारण इसके जो सन हैं सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक सीधी आती हैं और द द टेक्स टेक्स टाइम एट मिनट दन सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ अर्थात पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग एट मिनट पंद्रह सेकेंड से लेकर कुछ बुक्स में थर्टी सेकेंड्स भी हैं इतना समय सनराइज पृथ्वी तक पहुंचने में समय टाइम लेती है स्टार्स मेक सर्टेन पैटर्न जो स्टार्स होते हैं वो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं मैथोलॉजिकल uh, फिगर्स जैसे कि आप देखते हैं शाम को बहुत सारे तारों का समूह तारों की एक विशेष आकृति आपको दिखाई देती है जिसको हम बात करें सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं अर्थात सप्तऋषि अर्थात सात ऋषियों का एक समूह भी बोलते हैं और ये हमेशा सप्तऋषि मंडल नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर इस प्रकार की एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है नेक्स्ट ये बात करें सच पैटर्न मेड बाई स्टार्स इस प्रकार तारों के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाया जाता है जिसको हम आर नॉन एज कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन अर्थात जिसको तारामंडल कहा जाता है तारों के द्वारा स्टार्स के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का जो पैटर्न बनाया जाता है तारों का एक समूह बनाया जाता है उसको कॉन्स्टिलेशन अर्थात तारामंडल के नाम से उनको जाना जाता है तारामंडल के नाम से उनको जाना जाता है सीरीज सीरीज की बात करें सीरीज इज द ब्राइटेस्ट स्टार एंड मच ब्राइटर द सन ये जो सीरीज है ज ब्राइटेस्ट ये सबसे अधिक चमकीला जो ब्राइटेस्ट uh, स्टार है सबसे चमकीला तारा है एंड मच ब्राइटर सन सूर्य से भी अधिक अधिक इस सीरीज स्टार्स स्टार्स है द सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन दर्थात सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आप्टर दु पृथ्वी है उस पृथ्वी के नजदीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक का जो तारा है मा सेंचुरी प्रोक्शेमा सेंचुरी जो स्टार है ये सन के बाद हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक अगर सेकेंड स्टार की बात करें तो ये है नेक्स्ट वी वाई केनिस मजोरिसनिस मेजोरिस इज द लार्जेस्ट नॉन स्टार हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टार है सबसे बड़ा तारा है वी वाई कैनिस मजोरिस इज द लार्जेस्ट नॉन स्टार अर्थात ज्ञात सबसे बड़ा जो तारा है हमारे ब्रह्मांड में वी वाई कैनिस मेजोरिस इज द लार्जेस्ट स्टार सबसे बड़ा तारा यह है सोलर सोलर सिस्टम सिस्टम की बात करें तो इन अर्ली टाइम प्राचीन समय की बात है और थॉट दैट द अर्थ स्टेशनरी पहले की जो हमारी बात करें सोलर सिस्टम के अंदर टू प्रिंसिपल्स दिए गए दो सिद्धांत दिए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था जिस सिद्धांत का नाम है जियो थोरी ये जियो थोरी दी गई थी और इस सिद्धांत को समर्थन करने वाले थे मुख्य रूप से अरेस्टोटल एंड टालमी अरस्तुटल एंड टालमी इस प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो अर्थ है वो एक जगह पर स्थिर है जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार जो पृथ्वी है वो एक स्थान पर स्थित है और पृथ्वी के चारों ओर प्लैनेट्स सन और अन्य जो भी स्पेस के पार्ट हैं वो सारे के सारे इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी में यह कहा गया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है और अराउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर सन प्लैनेट्स और, और अन्य जितनी भी सब चीज़ें हैं जितने भी अन्य चीज़ें प्लैनेट्स हैं या सन है या मून है या स्टार्स हैं वो चारों और इसके चारों और चारों और चक्कर लगाते हैं इस प्रिंसिपल को इस सिद्धांत को बोलते हैं जियोसेनेटिक थोरी और इस सिद्धांत को जो सपोर्टेड किया गया था इस प्रिंसिपल वाज सपोर्टेड बाय एंड लेकिन सेंचुरी के अंदर 16th के अंदर एक न्यू मॉडल प्रस्तुत किया गया और ये न्यू मॉडल देने वाले थे निकोलस अर्थात निकोलसिक्स के द्वारा एक न्यू प्रिंसिपल दिया गया और इस न्यू प्रिंसिपल का नाम दिया गया हेलियोसेनेटिक थोरी हेलियोसेनेटिक थोरी अकॉर्डिंग टू हेल्योसेनेटिक थोरी इस नए सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा निकोलस कॉपर ने ये कहा कि जो सन है सूर्य है वो अपने स्थान पर स्थित है और सन के चारों ओर जितने भी प्लानिट्स हैं या मून्स हैं या अन्य हेवनली बॉडीज हैं वो सारे के सारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अर्थात उसके चारों ओर घूमते हैं इस नए सिद्धांत को बोलते हैं हैंलियोसेनेटिक थोरी और दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाई निकोलस कॉपर नेक्स सिस्टम अगर सोलर सिस्टम कम्प्राइसिस अर्थात अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें कि सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है तो इन और सोलर सिस्टम कंप्राइसिसज द सन हमारा जो सूर्य होता है वो इट इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड वेरियस सेलेस्टियल बॉडी सेलेस्टियल बॉडी अर्थात जितनी भी आकाशीय जो आकाशीय जो पिंड होते हैं या प्लानिट्स होते हैं आकाशीय पिंड या प्लानिट्स होते हैं वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि हम बात करें सेटेलाइट्स हैं एस्टोराइड्स हैं कॉमेट्स हैं और मीटोराइड्स हैं ये सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अब सोलर इज ड्राइव्ड जो सोलर है ये शब्द लिया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड है लैटिन वर्ड सोल अर्थात जो सोलर है ये लैटिन भाषा के शब्द सोल से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है सन अर्थात सूर्य और सूर्य को हमारे एनिशेंट जो रोम है अर्थात जो ट रोम है रोम के अंदर इसको एक सोल अर्थात सूर्य को एक देवता के रूप में माना जाता था रोम के अंदर नहीं भारत के अंदर भी अन्य देशों के अंदर भी सूर्य को एक देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है क्योंकि सूर्य एक जीवन देने वाला होता है तो डियर स्टूडेंट्स इस लेसन से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो ओके बेस्ट ऑफ लक ओके स्टूडेंट्स